Rawalpindi Express has left the station. Assalamu alaikum, welcome to Shatta YouTube channel. आपको बहुत बहुत मुबारक हो और पाकिस्तान ने मैच जीत लिया है. विश यही चीज़ उन्होंने टोटल करनी थी परसों जो गुजर गया इंडिया के खिलाफ, ये टोटल यही करना था और इससे ज़्यादा कुछ नहीं पाकिस्तान करना था. बाबर को भी ऐसे खेलना था, रिजवान को भी 50 पे 50 करना था, बस टोटल यही रिक्वायरमेंट थी. जैसे यूनस खान कहता है ना, इट्स नॉट अबाउट द स्केल, इट्स अबाउट द सिचुएशन. तो वो तो हमें पता है, लेकिन आपने टोटली यही करना था. आज आपने कर लिया, बट पोटेंशियली पाकिस्तान इज नॉट आउट ऑफ दिस टूर्नामेंट येट. अगर यूएस से, इंडिया से भी हारता और आयरलैंड से भी हारता है, वही काम शुरू हो गए दोबारा दुआ वाले. या अल्लाह आयरलैंड को हार दे, हरा दे, तो उसको हरा दे, ताम पहुँच जाएँ. तो पिछले 10 साल से हम दुआएँ ही कर रहे हैं, अल्लाह करे यू नो पाकिस्तान रीच टू द सुपर एट्स. और वहाँ पर फिर साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, आई थिंक वन मोर टीम के साथ हमारा वेस्ट इंडीज़, उसे पाला पड़ेगा. तो अगेन डोंट लूज होप, वी आर स्टिल देयर इन द टूर्नामेंट. और आई थिंक पाकिस्तान डाउन एंड अबाउट होके वापस कम बैक करता है, और हर वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के साथ यही होता रहा. तो डोंट लूज होप एंड दुआ करें कि इंडिया अच्छे मार्जिन से जीत जाए यूएसए के खिलाफ. सो हम तो इंडिया को बैक करेंगे यूएसए के खिलाफ. लेकिन थैंक यू वेरी मच फॉर द क्राउड फ्रॉम द बोथ साइड, कनाडा एंड पाकिस्तान, बिकॉज कनाडा की तरफ से पाकिस्तानी आए थे और पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए कनाडा के पाकिस्तानी पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे थे. तो थैंक यू वेरी मच फॉर द क्राउड फॉर टर्निंग अप, बिकॉज इट वाज गुड साइट टू सी. एंड वेल डन गाइस, आफ्टर कपल ऑफ स्टेटमेंट यू गॉट योर एक्ट राइट. सो डोंट गिव दैट चांस टू एनी अदर पीपल टू गिव स्टेटमेंट एंड टू स्केयर यू अवे, बट play like a king and make sure that you go out there and qualify for Super 8. Make sure you do that. You don't lose hope. Well done, Pakistan. Press has left the station, that's for sure.